आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मंदिर से आए हैं। मंदिर से तो आ ही गए हैं और छुट्टी चल रही है, नहीं खत्म हो जाएगी जल्दी। तो अभी टाइम तो है ना, 4 days। 4 days? हाँ, 3 days। तो अभी हमारी पूरे दिन की हाउस वाइफ की क्या रूटीन होती है, कितने बिजी रहते हैं बच्चों के कामों के साथ, वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ, संभालती हूँ, मैनेज करती हूँ। और अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ, मैंने पूजा कर लिया है और अब मैं जा रही किचन में, और किचन में भी खाना बनाऊंगी। यहाँ पनीर लाई हूँ मैं और दूध लाई हूँ, मंदिर गई थी तभी मैं ले आई थी दूध। अभी मैं पनीर की सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पर टमाटर कट कर लिया, प्याज की कटिंग कर ली है, और यहाँ मैंने पनीर भी कटिंग कर ली है। और मैं यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और ये है मेरा दूध। यहाँ मैं दूध उबालूंगी और फटाफट मैं बनाना शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। और सुबह सुबह सिद्धांत यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है और यहाँ सिपू सो रही है, अभी इसकी मॉर्निंग नहीं हुई है। सिपू उठना नहीं है, इसकी तो राइट भी नहीं होती है। उठना नहीं, उठ जा, उठ जा मेरा बच्चा, उठ जाओ, नहीं तो भैया फुटबॉल से ना पिटाई कर देंगे तेरी। सीट लग जाएगी प्रिंसेस को। ये दोनों बच्चों की मेरे साथ चलती रहती पूरे दिन, क्योंकि अभी छुट्टी है, छुट्टी में यही होता है, पढ़ाई कम और ये सारे काम ज़्यादा। ये देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह पूरे दिन इन लोगों की चलती है। और मैं मना करूँगी, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं, अपने मन की करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, ये तेल डालूंगी। सिब्बू जो ब्रश करो, सिर क्यों परेशान कर रहे हो? क्या इसी तरह आप लोगों के घर में भी होता है, बच्चे लोगों को परेशान करते हैं? भाई मैं तो इन लोग को इन हरकतों से बहुत परेशान होती हूँ, बहुत ही ज्यादा। ये देखो, ये देखो फाइटिंग शुरू हो रही है। सीट सीट लग जाएगी एक दूसरे को। अभी फाइटिंग हुई, अब प्यार। और यहाँ पे भाई बहन की मिलन हो रही है, भाई मना रहा है लेकिन बहन नाराजी है। मान जा बेटा, मान जा, भैया तो प्यार भी कर रहा है ना, दुलार भी कर रहा है। हा? ये देखो निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, आज ही निकल जाए यहाँ से। क्यों निकल? तेरी कोई जरूरत नहीं है, समझी? नहीं। क्यों नहीं? मैं एक डांस कर रही हूँ। मैं मारूंगा। अरे अरे कहाँ गई, कहाँ? ये छुप 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 मेरी मैं चाय बना रही हूँ। चाय की जिंदगी तो शुरू होती नहीं है और यहाँ खाना बन रहा है। और मेरी पनीर बन रही है, यहाँ पे सारे सारे मसाला इसमें डाल दिया है। अरे धुआं ही धुआं हो रखा है यहाँ पर, तो खाना बनेगा तो धुआं तो होगा ही ना। अरे धुआं क्यों होगा फिर, चाय भी धुआं हो रहा है, धुआं धुआं। योगे चाय नहीं कोई नहीं, मम्मी पीती है, तुम मत पिया करो, अच्छे हो, दूध पियो। मुझे भी थोड़ी रंग लगानी चाहिए। और मेरी यहाँ पे दूध अभी उबल गई है और मैं यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई चढ़ाऊंगी। मेरी है, इसमें मैं बनाने वाली हूँ ये कैबेज। थोड़ा सा पड़ा था, मैंने इसे कटिंग कर ली है, वाह, डाल के बनाने वाली हूँ। और कढ़ाई चढ़ा दी है, अब यहाँ पे सूखी सब्जी कैबेज की। क्या कहा तूने? कढ़ाई मेरी है। तेरी कहाँ से हो गई? मम्मी ने दी थी मेरे को। अरे तेरी है वो कढ़ाई? हाँ हाँ तेरी है, तेरी है, मेरी है, मम्मी की है, समझ गई? नहीं जा सकती। सिब्बू भैया और अब खुद के लिए खाना ले जा रही है। मेरा खाना बन गया है, और ये कैबेज की सब्जी है, पनीर। क्यों ये मत खाना, ये खाना पसंद नहीं है, मुझे पनीर पसंद है। अब खा के तो देखो बहुत अच्छा बना सिर। सिब्बू को तो पसंद नहीं, इसलिए मैं सिब्बू को दिया नहीं है, लेकिन तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा सा कुछ कुछ सब्जी को ट्राई करो, अच्छा लगेगा खाने में। कैसा बना सिब्बू? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खा लिया। कैसा बना है कैबेज की सब्जी, कैसी लग रही है? टेस्ट तो पता चल ही गया होगा, अच्छा लगा? उतना नहीं, कोई नहीं, ठीक है।
मैं खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप खा लो ठीक है। और यहाँ मेरे बच्चे लोग, अब यहाँ मेरे बच्चे लोग अब खाना खा रहे हैं और मैं जा रही हूँ, अब मुझे कपड़े भी धोने हैं तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। यहाँ मेरे खाना बन गया, अब मैं भी खाऊँगी। जब और भी रोटी बनानी है तो मैं यहाँ रोटी बना लेती हूँ खुद के लिए और रवि जी के लिए मैं यहाँ रोटी। तो गाइस यहाँ मेरी रोटी जल गई है बहुत बुरी तरीके से। अभी अभी जी आए हैं क्लास से और इतने सारे बिस्किट मिक्सचर लेकर आए हैं बच्चों के लिए। और मेरे बच्चे का क्या आदत है ना कि आते हैं उसके बाद दो चार दिन ही सारे फिनिश कर देते हैं, मतलब सारे ख़त्म कर देते हैं। तो मैं सारे डब्बे में अरेंज करूँगी कि बच्चे अपने आराम से ले लेके खाए। ये आगे खाना खा रहे हैं बच्चे लोगों का डिमांड था, पापा बिस्किट चाहिए मिक्सचर चाहिए। अच्छा थैंक यू। और ये बिस्किट आते ही आपने खाना शुरू कर दिया है। खाना कैसा है? बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत से बनाया भी है, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर एक नहीं दो दो सब्जी होनी चाहिए। फिर की डब्बे में नहीं डालनी बिस्किट को, ठीक है, अलग अलग डब्बे में डालेंगे। कपड़े जो आज मुझे धोना है बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा है, मन नहीं कर रहा था धोने का, फिर भी कही कि चलो धो लेते हैं क्योंकि कपड़े ना एक दिन में सूखते नहीं है। तो यहाँ मशीन में मैं पानी भर रही हूँ धोने के लिए। दिल्ली में इतनी मौसम ख़राब है कि धूप ना निकलने की वजह से कपड़े सूखते नहीं हैं, तो चार दिन लग जाते हैं। अच्छे हस्बैंड ने खाना खा लिया और अभी जी क्लास चले गए हैं और मैं हीटर के पास थोड़ा सा अपना हाथ देखूँगी। ठंड बहुत है दिल्ली में, बहुत ठंड है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। एंटरटेनमेंट कर रहे हैं अपना वो भी। बच्चे लोग की तो छुट्टी में पढ़ाई लिखाई तो कम होती है और यहाँ सीट भी अपना सो देख रही है। छुट्टी का मज़ा ले रही है, अब भी मजा लो हमारी वीडियो देख के। अपना सो देखूंगी चांद जलने लगा नहीं वो सभी मुझे बहुत पसंद आता है, चांद जलने लगा, एक राधा कृष्ण भी है, मैं सो देखती हूँ, थोड़ा सा अपना टाइम निकालती हूँ, टाइम निकाल के थोड़ा सा मैं सो देखती हूँ और यहाँ बैठ के मिक्सचर भी खाऊंगी जो पापा आए। हाँ तो मिक्सचर खाते खाते मैं थोड़ा सा यहाँ पे सो देखूंगी। तो गाइस मैं कपड़े धोने के बाद मैं सो गई थी, मुझे बहुत ठंड लगने लगी तो मैं सो गई थी और काफ़ी लेट उठी हूँ। बच्चे को भूख लग गई है तो मैं बच्चे के लिए यहाँ पे दूध और बिस्किट बना रही हूँ, उसके बाद मैं नाइट का डिनर का तैयारी करूँगी। तो मैं यहाँ दूध निकाल रही हूँ। देखो तुम भैया शेयर करना एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ मेरे बच्चे कॉफ़ी और बिस्किट खा रहे हैं, सिर्फ डिप करके खाओ ना अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ बैठ के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, दोनों बच्चे आपस में जिसमें टॉक कर रहे हैं। And did you see that? That he proved the theory of the Albert Einstein that if we travel with the speed of light we can travel in. सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, अब इसे मैं ड्रॉ में रखूंगी। हाँ सिद्धांत लैपटॉप पे अपना शो देख रहा है। अभी बोल क्या बोल रहा है? छुट्टी है मेरी। छुट्टी है तो मजे कैसे, मजे करना है। पढ़ा भी तो हूँ। और कोई काम नहीं करना? नहीं पढ़ाई और खेलना ही होता है मेरे ख्याल से। कोई नहीं कर लो बेटे कर लो। डिनर में क्या खाओगे? क्या बना रहे हो? मैं जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी बनाने। गाय जो मैं जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी बनाने। और ठंड तो बहुत है लेकिन अभी मैंने स्वेटर पहनी नहीं हूँ क्योंकि हीटर के पास बैठी थी तो थोड़ी सी गर्मी आ गई थी तो मैंने स्वेटर सारा खोल के फेंक दिया। मतलब कुकिंग करने और मेरा किचन इतना फैला हुआ है ना कि क्या ही बताऊँ। सफाई करूँगी किचन की, उसके बाद डिनर बनाऊँगी और मैंने पूरी किचन सफाई कर ली है और अब मैं यहाँ पर खाना बनाने वाली हूँ। जब किचन साफ़ रहता है तो खाना बनाने में मन भी लगता है। और मटर निकाल रही हूँ फ्रिज से, अभी जो आलू आ रहे हैं ना इसमें मिट्टी बहुत रहती है तो मैंने इसे वॉश कर लिया है, इसे छीलूँगी। मैंने कुकिंग करना शुरू कर दिया, ये देखिए इसी कुकिंग में जो जो मैं डाली हुई हूँ ये सेम चीज़ें ये भी डाली है और ये बना रही है। गाइस तो ये रही मेरी सब्जी बनी है, नहीं ग्रेवी है।
ये आलू अच्छा अभी तक उबला नहीं, को समझ नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों डाला अभी अभी। इसमें मम्मा की मसाले की दुकान है बहुत सारी है इसमें। इससे बोले मटर डाला है, मैंने नहीं डाला गाइस, मम्मा ने जानबूझ के खुद से डाला है। मम्मा को ना कमेंट करना आप से ऐसा ना करे ठीक है। ये क्या हो गई, ये सब्जी सब्जी यार ये अभी बन के अभी रेडी हुई है। ग्रेवी आप से नहीं तो खा तो आलू कटिंग कर दीजिए, हो चुका है, हो चुका है बहुत कम लोगों को नीला पड़ेगा तो समझ कर लो। अरे बहुत अच्छा बनेगा, पर ये सब्जी तो तैयार तो करो बना के कैसा बनता है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ये सिब्बू की सब्जी रेडी हो गई है, पर्पल पर्पल। तो सिब्बू ने बोला है कि अपने पापा को खिलाएगी, तो देखते हैं इसके पापा क्या रिएक्शन देते हैं सिब्बू की सब्जी पे। तो जब क्लास से आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी इनकी रिएक्शन कैसी सिब्बू की सब्जी पर आती है। खाना बनके रेडी हो गया, ये मेरी सब्जी है, ये है मेरी चावल वाइट वाइट, और मैं अपने आपको खाना निकालूंगी। अभी जी आ गए हैं और मैं अभी जी को खाना सर्व करूंगी। क्या लग रहा है, पता है आलू को तोड़ देता, काटने की जरूरत है ही नहीं। किसी भी तरीके से बना सकते बेटा, कोई बात नहीं। गाजर मीठा मीठा और आंखों में आंसू लाने वाला प्याज। पिताश्री इतना भोजन देख के खुश हो गए, सुबह से खाए क्या है। हाँ, देखे तो खुश हो गए। गरम गरम खाना है और बहुत ही प्यारा खाना है, बहुत प्यारा। ये मेकअप करके आया क्या? ये खाना, ये सिब्बू की सब्जी है और ये पापा के लिए निकालेगी। तो चलिए देखते हैं सिब्बू क्या कर रही है। सिब्बू चावल निकाल रही है और ये सिब्बू सब्जी निकाल रही है। इसके पापा का रिएक्शन देखना है कि सिब्बू के खाना पे क्या रिएक्शन देते हैं। स्पून लगा लो, चलो यहाँ पर अचार भी निकाल लिया है, इसकी दादी बना के भेजती है। हाँ ये सिब्बू बनाई है खाना, ये मेड बाय सिब्बू है। बिल्कुल ये बहुत बहुत टेस्टी है सिब्बू, इतना टेस्टी खाना बनाया आपने। बिल्कुल वाव वाली फीलिंग देती है ना सब्जी, सब्जी ऐसा लगता है किसी एक्सपर्ट ने बनाया हो। अच्छा इतना अच्छा बनाई है, ऐसा लग रहा है कि सब्जी किसी कुक ने बनाया हो, इतना बढ़िया खाना बनाई है। मम्मी को पीछे कर दिए है, आपको बहुत अच्छा लग मिला है, अच्छा गुड लग गया आपको। उन्हें मेहनत भी किया था, अच्छा इसमें अच्छा जो की दादी बनाया है। हाँ सो तो दादी के तो भाई बात ही अलग है। अभी गिरती लगती चोट। चलो ठीक है सिब्बू, चलो स्टार्ट करो, तुम भी खाना शुरू करो। चलो ठीक है, बहुत टेस्टी खाना है। आपने देख ही लिया है कि इनके पापा का क्या रिएक्शन है खाना पे, और बहुत अच्छा बनाई थी सिब्बू। बच्चे लोग मेरे खाना खा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।